नीचे ब्लॉक और आज सुबह के 10 बजे तो बस मैं अभी अभी उठूँ, अभी उठने के बाद भी करूँगा चेंज। चेंज करने के बाद लेने जाने हैं बाहर, पेरेंट्स को भी लेने जाने, तो मैं आपसे मिलता हूँ चेंज करने के बाद। मैंने मेरे रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पे बस अंधेरा हुआ है क्योंकि लाइट ही नहीं है तो उसकी वजह से, तो बस अभी मैंने चेंज नहीं, अभी थोड़ी देर में कैबिन आने वाली है तो कैबिन आएगी, फिर जाने फैमिली को लेने, फैमिली को लेके आऊँगा, फिर आपसे मुलाकात करूँगा क्योंकि बहुत काम है और बहुत सी चीज़ें भी करनी है। बस मैंने रूम चेंज कर लिया है और मैं आ चुका हूँ दूसरे रूम में क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा दरबार में था, तो बस हमने कहा कि हम क्यों ना आ जाए वापस कैंट के अंदर। हम वापस आ चुके हैं और ये मेरा रूम आते तक भी ये बेड है और ये लाइट और ये सारी ये तस्वीरें से आपको याद होती है गर्मी भी लगी हुई है तो उसको देखो मुझे घर की याद आ रहा है। तो ये भी खूबसूरत सी पेंटिंग है और ए सी को नहीं कर रहा है, आएगा तो मुझे उसको कहना ए सी को नहीं कर, वो ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ बाहर का खूबसूरत नज़ारा। तो मैं जाता हूँ बाहर थोड़ी देर बाद आपसे। चेंज करने के बाद अभी टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी देखने के बाद मैं करूँगा नाश्ता। मैंने अभी तक मंगाया नहीं, सोचा मंगाया नहीं क्योंकि खाने को मैं रात में नहीं पूरी नहीं हूँ, इसलिए अभी आगे नहीं। ये सारा नज़ारा तो आपको मैंने दिखा दी, ये बाहर का मतलब लिविंग रूम है, टीवी लॉन्च है, जो अंदर की तरह का वेटिंग रूम से नाश्ता। और मैंने आपको कहा था कि मेरा नाश्ता बनाना मतलब मंगाने का दिन ही हो रहा है, तो वैसे मैंने अपनी डाइट की बैंड बजा दी है और नॉर्मल से मैं ज़्यादा खा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी मोटा भी हो जाऊँगा जो मुझे पता है। तो ये यकीन करें और इसके बहुत मज़े थे, बहुत मज़े आए। पूरी रात में सोया नहीं तो उसकी वजह से मुझे नींद आ गई, अब नींद आ गई। ये पूरा कमरा मेरा बिस्किट ख़त्म कर दो फिर आपको थोड़ा बाकी नज़ारा भी दिखाऊँ। जो दूसरे कमरे में और मैंने नाश्ता नहीं खाया लेकिन नाश्ते के बगैर बहुत कुछ भी खा लिया तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैंने भी खाया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही, एक मतलब इस कद्दू से लाई है फैमिली ने लेकिन बहुत मज़े किए। जो बादाम नहीं होते अक्सर आपने खाए होंगे उसमें खुबानी वगैरह, तो ये उसका मिक्सअप है। और वो इस कमरे का जो ए सी है वो ये भी काम कर रहा है और इस कमरे में मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस कमरे की मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये अलमारी जो कि काफ़ी ही खूबसूरत बनी है, तो इधर सामान वगैरह रखते हैं और मतलब ब्रश वगैरह पानी की जगह। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इस जगह का, ये बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है थोड़ा बहुत, बस ये देख के चीज़ें और ये सामने आपको देख सकते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं जाता हूँ बाहर। ये दूसरा कमरा भी मैंने आपको दिखा दिया, तो अभी थोड़ी देर में मैं अगर कुछ मंगाऊँगा खाने के लिए फिर मैं आपसे मिलूँगा। और नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस अभी रूम में बैठा हूँ और अभी मैंने ए सी से ही करवाया है क्योंकि ए सी कूलिंग नहीं कर रहा था। और बस वो क्या कूल है, गर्मी बहुत है तो बाहर जा नहीं सकता, बहुत गर्मी है और नॉर्मली जो बावलपुर का मौसम हो रहा है उसका टेम्परेचर आपको अच्छे से पता है, बावलपुर में ठहरे ठहर की वजह से जो डेजर्ट है छोले चावल डेजर्ट है वो भी गर्म होता है जिसकी वजह से पूरा इलाका जो पंजाब के इलाके ये भी गर्म होता है। लेकिन जो बाकी की जगह थी जो आपने शुरुआत में मेरे ब्लॉग में देखी होगी, जो मेरी सिस्टर ने बनाया उसका जो जितनी जिंदा वैली वगैरह जो भी खूबसूरत जगह थी वहाँ पर मौसम बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बस आज का दिन तो मुझे लगता है मेरा कमरे में गुजरेगा लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूँगा आज बैठ जाने की, तो मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड नहीं करता हूँ, बस सोता हूँ, सोने के बाद आपसे मिलूँगा। मैं बैठा हूँ बाहर की तरफ,
टीवी लॉन्च पे, और बस बाहर जाने का था लेकिन बाहर नहीं गया क्योंकि फैमिली गई भी बाहर और वो उनका कुछ सामान वगैरह लेना था, तो अब देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। बाहर अच्छी होती है, मतलब गर्मी है, बाबरपुर में बहुत गर्मी है, तो मुझे ड्रेस भी चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा रूम में और रूम में जाकर ड्रेस चेंज करूँगा। और टाइम आप देख सकते हैं, टाइम छः बजे भी यहाँ, मतलब ऐसा है कि सकून है, मतलब खामोशी है लेकिन गर्मी बहुत है। और ये नीचे का नज़ारा, और ये सामने है किचन। तो अभी मैं यहाँ पे ही रुका हूँ, तो अभी थोड़ी देर में हमने खाने का ऑर्डर दिया है, खाना आएगा तो फिर हम खाएंगे खाना, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि खाने में आज क्या बने। और मैं आ गया हूँ अपने रूम में, और बस खाने वगैरह का ऑर्डर दिया है, और आप देख सकते हैं कमरे में, और मैं फ्रेश होकर मैंने चेंज भी कर लिया, तो अब थोड़ी देर में खाना आएगा तो फिर मैं खाऊँगा खाना, और फिर खाना खाने के बाद आपको पहले दिखाऊँगा कि मैं क्या खाना खाऊँ, क्योंकि बाहर तो कहीं गया नहीं हूँ, और मौसम आप देख सकते हैं बाहर में बिल्कुल भी नहीं गया, रूम में ही हूँ, नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और आपको एक चीज़ बतानी थी, इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये नेट काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, तो बहुत ही मामला बहुत ही गड़बड़ हो गए हैं, और यूनिवर्सिटी भी पता नहीं ओपन है क्लोज है, कुछ भी नहीं पता है, कोई भी आइडिया नहीं है। बस खाना आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ खाना, लेकिन टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको खाना है खाना, खाना खा के सो जाना है, आई थिंक मिलता हूँ खाने में। और मैंने आपको कहा था कि मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा, लेकिन खाना मैं खा चुका हूँ, ये मुझसे गलती से नीचे हो गई, लेकिन खाना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या खाया। और ये है चिकन मलाई, और ये है राइस, मतलब कौरमे, कौरमे जैसे पुलाव टाइप, जैसे चावल ही होते वैसे, जो बहुत मज़े के। और ये है सलाद, तो ये सब मैं खाऊंगा, फिर खाने के बाद पुलाव तो मैंने खा लिया, मैं खाऊँगा चिकन, और पता नहीं खीरे में क्या था, मुँह का टेस्ट खराब है, वो खाना खत्म आपसे मिलूँगा खाना खत्म करने के बाद। और मैं बैठा हूँ कैफे में, तो अभी मैं खाऊंगा आपके सामने फलूदा, और ये पीछे से आवाज़ आ रही है, आप टेंशन नहीं कर, ये बंदा बैठा, और ये फलूदा आप देख सकते हैं इतना क्रीमी फलूदा, दिखा रही ये मैं खाता हूँ, खाने के बाद आपको मिलूँगा, खाते हुए नहीं दिखाता हूँ भाई, खाने में आराम दे मुझे, बाय बाय। कमरे में आ चुका हूँ, मेरे सामने बना हुआ है ये स्पाइसी केक और ये चाय, तो बस आज मेरा एक छोटा सा ही, मतलब मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की रूम में, पहले मैं गया था दरबार में, वहाँ से सामान शिफ्ट किया यहाँ पे, फिर टमरी बात में बैठा हूँ यहाँ पे रात के टाइम केक खाने के, और वहाँ पे मेरे वाले साहब तो मीटिंग में खाने माँ को आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।